नमस्कार दोस्तों, मैं युवराज सिंह स्वागत करता हूं आपका वाई ए टू लर्न के ऑनलाइन क्लासेस में। तो दोस्तों, हम बात कर रहे थे राजस्थान के लोक देवियों के बारे में, और राजस्थान की लोक देवियों में आज हम पढ़ेंगे संकराय माताओं। संकराय माता समाज की कुलदेवी, किनकी है? कंडलवाल समाज की कुलदेवी है, ठीक है। अब एक बार क्या हो गया था कि राजस्थान के एक बार क्या हो गया था राजस्थान में अकाल पड़ गया था। तो अकाल में, उस अकाल में इन माताजी ने क्या किया, माताजी ने फल सब्जियां उत्पादित कर लोगों की सहायता की। तो हम यहाँ बात कर रहे हैं सकराय माता की। सकराय माता जिनका मंदिर उदयपुर वाटी झुंझुनू में स्थित है, कुलदेवी ये खंडलवाल समाज की है। वही अगर आगे हम बात करें तो अकाल के दौरान, तो हम कहेंगे कि माता जी फल सब्जियां उत्पादित कर लोगों की सहायता की। कब की है? अकाल के समय। अकाल के समय, तो अकाल के समय क्या किया उन्होंने, फल आदि सब्जियां उगा कर उन्होंने लोगों की मदद की। आगे हम जो बात करने वाले हैं वो है अगली माता जी, जिनका नाम है घेवर माता। घेवर माता, अब घेवर माता जिनका जो मंदिर बना हुआ है, हम यहाँ मंदिर की बात करते हैं, तो मंदिर बना हुआ है राजसमंद झील की पाल पर। राजसमंद झील की जो पाल है उस पर बना हुआ है, ठीक। पोखर, जो पोखर उसे हम कहते हैं, उस पोखर पर ये मंदिर बना हुआ है, ठीक है, जो किनका है, घेवर माता का है, ठीक है। और राजसमंद झील जो बनवाई गई थी राजसिंह द्वारा, किनके द्वारा बनवाई गई थी, राजसिंह द्वारा निर्माण करवाया गया था, किनका भाई, राजसमंद झील का, तो ठीक है। तो इस तरीके से एक कहानी भी जो कि घेवर माता से संबंधित है, तो उस कहानी को अगर हम देखें तो कहानी थोड़ी इस तरीके से है कि एक बार क्या था कि जब ये राजसमंद झील का निर्माण का कार्य चल रहा था, जो करवाया गया था राज सिंह द्वारा, ठीक है। अब ये जो राजसमंद झील का निर्माण कार्य चल रहा था, तो उस समय क्या था कि ज्योतिषी द्वारा ये बताया गया कि यदि यदि कोई ऐसी कन्या जिसकी बाईं आंख के नीचे काला तिल हो, अगर वो कन्या राजसमंद झील की जो पाल है उस पर अगर नींव रखे, तो इस तरीके से क्या था कि आसपास के इलाके में राज सिंह के आदेश के अनुसार एक ऐसी कन्या ढूंढी गई एक जिसके बाईं आंख के नीचे काला तिल, लेकिन ऐसी कन्या नहीं मिली। आगे जाके इन्होंने क्या किया कि मालवा पहुंच गए। कहाँ चले गए ये, मालवा चले गए। मालवा से घेवर माता को साथ लाए, घेवर नाम की कन्या को लाया, ठीक है। अब मालवा की रहने वाली थी कौन, घेवर माता। तो इनके हाथों से, हम कहेंगे कि घेवर नाम की महिला के हाथों से राजसमंद झील की पाल की नींव रखी गई, ठीक है। तो इस तरीके से घेवर माता के बारे में हम डिस्कस कर रहे थे। तो घेवर माता इनका मंदिर राजसमंद झील की पाल पर स्थित है, राज सिंह द्वारा राजसमंद झील का निर्माण करवाया गया था। तो बाद में हम बात करें तो मालवा से लाई गई थी घेवर नाम की कन्या, ठीक है, उन्हीं के हाथ से राजसमंद झील की नींव रखवाई गई थी। बाद में यही इस पाल पे ही घेवर माता स्थापित हो गई। आगे हम बात करते हैं नारायणी माता की, जो अगली लोक देवी हमारे बीच में है, वो है नारायणी माता। नारायणी माता जिनका मंदिर स्थित है अलवर में, कहाँ स्थित है, अलवर में, भरवा डूंगरी की तलहटी पर, तलहटी पर मंदिर स्थित है, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें तो ये नाई समाज की कुल देवी है, नाई समाज की कुल देवी है, नाई समाज की
कुल देवी है कौन, नारायणी माता। ठीक है, तो इसी तरीके से हम बात कर रहे हैं यहाँ पर नारायणी माता की। तो नारायणी माता जिनके जो पुजारी होते हैं, जो पुजारी होते हैं मीणा समाज के लोग होते हैं, कौन होते हैं, मीणा समाज के होते हैं, मीणा समाज के लोग होते हैं नारायणी माता के पुजारी। ठीक है, अब थोड़ा सा कि मीणा समाज का जो यहाँ पर जो रोल रहा उसे थोड़ा सा हम समझ लेते हैं कि नारायणी माता से संबंधित एक कहानी जुड़ी हुई है। वो कहानी इस तरीके से है कि नारायणी माता जिनका वास्तविक जो नाम था, हम यहाँ लिख भी देते हैं वास्तविक नाम, तो जिनका वास्तविक नाम था वो था करमेती। क्या नाम था, करमेती। किनका वास्तविक नाम था, ये नारायणी माता का वास्तविक नाम था। और जो करमेती थी वो जयपुर ज़िले से थी, मतलब हम कह सकते हैं कि नारायणी माता जयपुर ज़िले से, यहाँ जयपुर के पास ही एक गांव से हुआ करती थी नारायणी माता करमेती। ठीक है, अब करमेती का जो विवाह हुआ, वो करमेती का जो विवाह हुआ, वो विवाह हुआ करमसी नाई के साथ। करमसी नाई के साथ विवाह किसके साथ हुआ, करमसी नाई के साथ हुआ। ठीक है, अब विवाह हो गया, विवाह के बाद में करमेती करमसी दोनों साथ साथ कहाँ जा रहे थे, अपने ससुराल। हम कह सकते हैं करमेती करमसी अपने पति के साथ अपने ससुराल जा रही थी। अब रास्ते में क्या था, जो अलवर की जो बरवा डूंगरी, यहाँ पर ये लोग विश्राम करने लग गए। क्या करने लग गए, विश्राम करने लग गए। विश्राम करने लग गए तो यहाँ पर ये कहा जाता है कि सांप के काटने से इनकी मृत्यु हो गई। किनकी, करमसी की। तो करमसी सांप के काटने से मृत्यु हो गई। ठीक है, अब इनकी मृत्यु हो गई तो उसके बाद में क्या था, अब करमेती ने सोचा कि मृत्यु तो हो चुकी है सांप के काटने से, तो अब इनका अंतिम संस्कार तो करना पड़ेगा। तो इसलिए इन्होंने क्या किया, पास में आसपास के व्यक्ति सर्च किया। जब व्यक्ति सर्च किया तो इन्हें एक मीणा समाज का ग्वाला मिला। ठीक है, तो उस मीणा समाज के ग्वाला से कहा गया कि भाई आप मेरे पति के दाह संस्कार में मेरी मदद करेंगे। तो कहा जाता है कि मीणा समाज के उस युवक ने करमेती की सहायता की, करमसी के जो उनके पति थे करमेती के, इनके पति के दाह संस्कार में उनकी सहायता की मीणा समाज के युवक ने। इसके बाद में क्या होता है कि करमेती सती हो जाती है, जहाँ पर उस दाह संस्कार किया जाता है वहीं पर क्या होती है, करमेती सती हो जाती है। क्या हो जाती है, सती हो जाती है। तो इसी तरीके से बाद में वहीं पर उसी स्थान पर नारायणी माता के नाम से प्रसिद्ध हुई और बाद में इनका मंदिर बनवाया गया। नारायणी माता अलवर के भरवा डोंगरी की तलहटी पर इनका मंदिर स्थित है। नाई समाज की तो ये कुल देवी, लेकिन इसी के साथ इसकी पुजारी मीणा समाज है। हम कह सकते हैं कि मीणा समाज और नाई समाज दोनों ही इसे मानता है कि ने नारायणी माता को। ठीक है, इनका वास्तविक नाम जो था वो था करमेती। क्या नाम था, करमेती था। विवाह हुआ करमसी के साथ। ठीक है, हमने सारी बात देख ली, सारी घटना समझ ली, सांप के काटने से करमसी का, या कम कह सकते हैं करमसी की मृत्यु हो गई। ठीक है, इसके बाद में उसी चिता में करमेती यानी हम कह सकते हैं नारायणी माता भी सती हो गई थी। अब आगे जो हम बात कर रहे हैं, वो अगली जो लोक देवी है उनका नाम है हिंगलाज माता जो राजस्थान के साथ ही साथ पाकिस्तान में इनका मंदिर स्थित है। हम यहाँ पर ये मंदिर के बारे में अगर बात कर ही रहे हैं तो हम यहाँ प्रमुख मंदिर की अगर हम बात करें तो प्रमुख मंदिर पाकिस्तान के सिंध प्रांत में, इनका प्रमुख मंदिर स्थित है। जबकि अगर बात राजस्थान में करें, वो तो पाकिस्तान की बात थी, जबकि बात राजस्थान में करें तो राजस्थान इनका दो मंदिर स्थित है जो प्रमुख मंदिर हैं। तो पहला जो प्रमुख मंदिर है वो तो है लोधरवा जैसलमेर, लोधरवा जैसलमेर में इनका एक प्रमुख मंदिर स्थित है। अगर आगे हम बात करें तो नारलोई नामक एक गांव है और ये गांव पड़ता है कहाँ, जोधपुर में। तो इस तरीके से हमने तीन मंदिर इनके देखे, एक तो भारत की सीमा से बाहर देखा पाकिस्तान में प्रमुख मंदिर जो पाकिस्तान के सिंध प्रांत में, वही दूसरा जो दो मंदिर देखे वो एक तो लोधरवा जैसलमेर में देखा, वही दूसरा मंदिर नारलोई जोधपुर में हमने देखा। ठीक है, हिंगलाज माता के कुछ उपनाम की बात करें तो इन्हें
तेमड़ा राय माता जी भी कहा जाता है, ठीक है, वहीं इन्हीं आवड़ा माता जी भी कहा जाता है। तेमड़े राय माता कह दो या आवड़ माता कह दो। आवड़ माता, तेमड़े राय माता, इनको हमने पहले भी एक बार बात की थी, और वो हमने बात की थी करणी माता से एक समय। तो करणी माता की कुल देवी थी कौन सी? ये तेमड़े राय माता। तो इस तरीके से हम ये समझ सकते हैं इंगलाज माता जो है वो करणी माता की भी कुल देवी थी, ठीक है। तो तेमड़े राय माता और आवड़ माता, या आदमी कह देंगे हिंगलाज माता, तो इनका जो प्रमुख मंदिर है वो तो कहाँ पर है? पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित है, जो भारत सीमा, भारत की सीमा से बाहर है। वहीं आगे हम बात करें राजस्थान में तो लौद्रवा जैसलमेर, वहीं दूसरा नारनौल जोधपुर में इनका मंदिर स्थित है। वहीं आगे हम बात करें तो इनका उपनाम तेमड़े राय माता है, आवड़ माता भी इन्हें कहा गया, ठीक है। और करणी माता इनकी कुल देवी हुआ करती थी, कौन सी माता जी? तेमड़े राय माता जी। आगे हम माता जी की जो बात करने वाले हैं वो अगली माता जी हमारे बीच है, स्वांगिया माता। स्वांगिया माता, ठीक है। अब स्वांगिया माता जो भी, अगर इनका जो मंदिर की अगर हम बात करें तो जो इनका मंदिर है वो है जैसलमेर में। कहाँ स्थित है इनका मंदिर? जैसलमेर में स्थित है। वहीं अगर हम बात करें तो अब ये कुल देवी किनकी है, तो भाई ये कुल देवी है जैसलमेर के ही राजवंश की कुल देवी रहने वाली है। अब जैसलमेर की राजवंश हुआ करते थे भाटिया ने, जैसलमेर में भाटियों का शासन था, तो जैसलमेर के भाटी वंश की, ठीक है। तो कुलदेवी किनकी हुआ करती थी? जैसलमेर के भाटी राजवंश की ये कुलदेवी हुआ करती थी स्वांगिया माता। अब स्वांगिया माता यानी कि स्वांग, और स्वांग का अर्थ होता है भाला। क्या अर्थ होता है? भाला। तो हमने इनका अर्थ समझना है, स्वांगिया मतलब स्वांग, और स्वांग का अर्थ होता है भाला। इसीलिए जो ये जैसलमेर के जो भाटी राजवंश है इनका एक प्रतीक चिन्ह है, ठीक है, इनका एक प्रतीक चिन्ह है। और उस प्रतीक चिन्ह में एक चिड़िया है जिसे सुगुन चिड़िया कहा गया है। तो सुगुन चिड़िया, ठीक है, मुड़े हुए भाले के साथ, मुड़े हुए भाले के साथ। तो ये इनका क्या है? प्रतीक चिन्ह है किनका? जैसलमेर के भाटी राजवंश का, ठीक है। तो स्वांगिया माता यानी स्वांग, स्वांग बोले तो भाला। तो इस तरीके से सगुन चिड़िया जो है वो मुड़े हुए भाले के साथ एक प्रतीक चिन्ह जो कि जैसलमेर के भाटी राजवंश का है, ठीक है। अब जो ये मुड़ा हुआ भाला है इसमें भी क्या है? एक छोटी सी कहानी इससे संबंधित है। एक बार क्या हुआ कि यादवों और जरासंध के बीच में युद्ध हो गया, ठीक है, यादव और जरासंध, यादव व जरासंध के बीच में युद्ध हुआ, ठीक है, युद्ध हुआ। अब युद्ध हुआ तो क्या होता है कि यादव चले गए कहाँ? स्वांगिया माता के पास, और स्वांगिया माता से ये उनकी भक्ति करते हैं, उन्हें कुश करते हैं, प्रसन्न करते हैं, और स्वांगिया माता से आशीर्वाद के रूप में बाला मांगते हैं। लेकिन बाला जरासंध के पास था, तो जरासंध बाला नहीं दे रहा था, तो युद्ध से वो बाला प्राप्त किया, तो प्राप्त करते समय वो बाला आगे से मुड़ गया, आगे से वो मुड़ गया, तो इसलिए वो मुड़ा हुआ भाला था। तो ये उसका प्रतीक चिन्ह बन गया जैसलमेर के भाटियों का, ठीक है। सुगुन चिड़िया मुड़े हुए भाले के साथ खड़ी है, तो वो एक प्रतीक चिन्ह हो गया, ठीक है। तो बाला इस तरह मुड़ा, ठीक है, तो हमने ये बात भी समझ ली, ठीक है। तो हम बात कर रहे हैं यहाँ स्वांगिया माता की, ठीक है। तो स्वांगिया माता जिनका मंदिर जैसलमेर में स्थित है, कुल देवी है जैसलमेर के भाटी राजवंश की, ठीक है। प्रतीक चिन्ह जो इनका है सुगुन चिड़िया भाले के साथ, ठीक है। स्वांगिया माता, स्वांग, स्वांग बताए तो भाला का अर्थ, ठीक है। यादव जरासंध के मध्य युद्ध की भी हमने बात की, ठीक है। इस तरीके से स्वांगिया माता का हमने बात किया, डिस्कस किया। तो हम आपके लिए जो जो इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन रहेंगे वो सिर्फ इतने रहेंगे कि जैसलमेर में इनका मंदिर स्थित है और कुल देवी किनकी है? जैसलमेर के भाटी राजवंश की। तो और यहीं पर क्या है? भाला लिए सुगुन चिड़िया है जिसे प्रतीक चिन्ह बताया गया जैसलमेर के भाटी राजवंश। ये दो तीन क्वेश्चन हमारे बीच इंपॉर्टेंट रहते हैं। आगे हम अगली लोक देवी पढ़ेंगे और उनका नाम है चामुंडा, चामुंडा माता। तो चामुंडा माता इनके मंदिर की अगर हम बात करें, तो जिनका मंदिर है वो मंदिर है जो
जोधपुर में, कायन का मंदिर जोधपुर में स्थित है। कहाँ स्थित है भाई? जोधपुर में स्थित है। जोधपुर में भी कहाँ है? मेहरानगढ़ दुर्ग में। कहाँ है? मेहरानगढ़ दुर्ग में, जोधपुर में मेहरानगढ़ दुर्ग में ये मंदिर बना हुआ है, चामुंडा माता का मंदिर। अब यहाँ पर एक चीज़ जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो है कि ये इष्ट देवी है, और इष्ट देवी किनकी है? इष्ट देवी भी किनकी है? जोधपुर के, आप समझ चुके हैं, जोधपुर के राठौड़ वंश की। इष्ट देवी किन की है? जोधपुर के राठौड़ वंश की इष्ट देवी है। चामुंडा माता का मंदिर जोधपुर के मेहरानगढ़ दुर्ग में बना हुआ है। वही जोधपुर के राठौड़ों की हमने कुलदेवी की बात की, तो कुलदेवी इनकी है नागणेची माता। तो चामुंडा माता का मंदिर कहाँ बना हुआ है? मेहरानगढ़ दुर्ग में ही बना हुआ है, ठीक है। और नागणेची माता का मंदिर भी यहीं बना हुआ है, ठीक है। अब इष्ट देवी जो कि जोधपुर के राठौड़ों की है, चामुंडा माता। वहीं हम थोड़ा सा और अगर बात करें तो 30 सितंबर 2008 में यहाँ एक भगदड़ मच गई, किसी अफवाह को लेकर यहाँ भगदड़ मच गई, भगदड़ मची, जिसमें हम यहाँ लिख सकते हैं जिसमें कई लोगों की मृत्यु हो गई, लोगों की मृत्यु हो गई, कई लोगों की इसमें मृत्यु हो गई। बाद में फिर उस भगदड़ के कारण ढूंढने के लिए या उस कारण को इन्वेस्टिगेशन करने के लिए चोपड़ा कमेटी बनाई गई, चोपड़ा कमेटी बनाई गई, ठीक है, जिसका कोई विशेष रिजल्ट नहीं रहा।